गुड मॉर्निंग एवरी वन उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और कल हम लोगों ने हिस्ट्री का एक बहुत टफ माना जाने वाला टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर दिया था इनफैक्ट परसों से हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे थे कल मैंने सीरीज में आपको दिखाया कि ये बहुत टफ नहीं है जैसा कि लगभग स्टूडेंट्स को लगता है कि ये कभी याद नहीं होता हो सकता है याद अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए दो चार बार ढंग से सुना जाए समझा जाए फिर पढ़ा जाए तो याद हो जाता है अब हम लोग जानते हैं कि इंडिया में चार इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एक तो सबसे पहले गवर्नर बने थे कितने गवर्नर बने थे तीन ये पहली स्टेज थी तीन गवर्नर बंगाल का गवर्नर बना इसके बाद बंबई का गवर्नर बना और मद्रास का गवर्नर ये तीन गवर्नर थे क्योंकि ये तीन इनकी प्रेसिडेंसी थी अंग्रेजों की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फिर धीरे धीरे इन्होंने देखा कि बंगाल ज्यादा स्ट्रांग है बंगाल अमीर प्रांत है यहाँ से पैसा कमाना बहुत आसान है तो बंगाल के गवर्नर को इन्होंने नाम दे दिया बंगाल का गवर्नर जनरल अब उसका नाम देखो क्या पड़ गया गवर्नर जनरल कहाँ का गवर्नर जनरल बंगाल का यानी ये उन दोनों के ऊपर हावी है इसकी पोजीशन ज्यादा स्ट्रॉग है बजाय बंबई और मद्रास वाले के वो तो गवर्नर्स हैं ये गवर्नर जनरल है फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आया और बंगाल का गवर्नर जनरल क्योंकि अंग्रेजों की टेरिटरी बढ़ गई और भारत बन गया इनकी टेरिटरी का हिस्सा तो इसका नाम कर दिया गवर्नर जनरल कहाँ का भारत का तो भारत का गवर्नर जनरल ये नाम पड़ गया और फिर कंपनी ने बहुत ज्यादा एक्सप्लाइटेशन किया जिसका बदला हमने लेने के लिए एक क्रांति की शुरुआत की जो बस थोड़ी डायरेक्शन हमारी गड़बड़ में रह गई हमारा कोई बहुत बढ़िया लीडर नहीं था जिसको कि हम कहें कि उसके पीछे सब चलते थे और कुछ गद्दारों ने इंडिया के साथ विश्वासघात किया इंडिया के साथ ना देना तो छोटी बात थी गद्दारी की ये बड़ी बात थी तो इस तरह से हमारी क्रांति सफल नहीं हो पाई और हमारे लिए वो क्रांति थी चाहे अंग्रेज इतिहासकारों ने उसको विद्रोह कह के दबा दिया तो उसके बाद हमारी पूरा सिस्टम बदला और अब भारत का वाई इन प्लेस ऑफ किंग ये नई पोस्ट उभर कर आई तो पहले कैसे एक छोटा सा गवर्नर था बंगाल का फिर वो बंगाल का गवर्नर जनरल बना फिर वो भारत का गवर्नर जनरल बना और फिर उसकी पोजीशन का नाम बदल के कर दिया वाई सराय इंडिया यानी जो महारानी या महाराजा की बिहाफ पे यहाँ काम करेगा इन प्लेस ऑफ किंग वाइस सराय ठीक है ये चारों हमें अच्छी तरह पता है बंगाल का गवर्नर इंपॉर्टेंट है पूछ लेते हैं ये वो आदमी है जो सत्रह की प्लासी की लड़ाई में था जो सत्रह की इलाहाबाद की संधि में था कौन था ये इसका नाम आप जानते हैं ये क्लाइव था क्लाइव रॉबर्ट क्लाइव जिसने बहुत बड़ा योगदान दिया बंगाल को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के कदमों में झुकाने में और इसी क्लाइव ने द्वैध शासन की शुरुआत की लेकिन फिर धीरे धीरे कंपनी को लगा कि ऐसे एक आदमी की मर्जी से बात गड़बड़ में आएगी इसीलिए बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था ये क्लाइव का द्वैध शासन जिसने खत्म किया वारकरण वे समझाया था वो वॉरन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स हेस्टिंग्स बाद में भी आएगा वो दूसरा है ये वॉरेन हेस्टिंग्स है बंगाल का गवर्नर जनरल फिर बंगाल के गवर्नर जनरल बनते गए बनते गए एरिया टेरिटरी प्रॉपर्टी बढ़ती गई तो भारत में क्या हुआ माइक में अच्छा ठीक है वॉर हेस्टिंग्स इसके बाद जनरल हाँ भारत का गवर्नर जनरल ये कौन बना 1833 में एक चार्टर एक्ट आया था जिसमें एक आदमी उस टाइम ऑलरेडी काम कर रहा था 1828 से 1835 तक जिसका नाम था विलियम बेंटिक विलियम बेंटिक तो ये अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है और भारत का पहला गवर्नर जनरल तो दो रिकॉर्ड हैं इसके नाम बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला गवर्नर जनरल इस आदमी से चेंज हुआ है इसके बाद वायसराय की बात करूं तो जो भारत का गवर्नर जनरल था 1856 में डलहौजी हटा था 48 से छप्पन डलहौजी कल मैंने पूरा डिटेल से पढ़ाया कि कैसे उसने कुछ अच्छे काम भी किए देखने में अच्छे थे ट्रेन चली पोस्ट ऑफिस पढ़ा था पीडब्ल्यू भी पढ़ा था देखने में लगता है बहुत काम है लेकिन रियलिटी है कि इनमें भी कहीं ना कहीं अंग्रेजों को अपना फायदा ही दिखता था इसलिए वो इस काम को करते थे इसके अलावा हमने पढ़ा सिक्किम पे कैसे झूठ-मूठ का आरोप लगाया दो डॉक्टरों के साथ बदतमीजी की और सिक्किम हड़प लिया आवाज जो कि इनके तलवे चाट रहा था 1765 से तब से लेके और 1800 ये लगा लीजिए इस क्रांति से पहले तक लगातार इनकी बातें मानता रहा और अब उसको कहके कि ये कुशासन करता है आरोप लगा के उसको भी हड़प लिया ये दिखाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी साम दाम दंड भेद सुना होगा ना ये कि हर तरह किसी भी तरीके से बस इंडिया पे हावी होना है इंडिया पे कब्जा करना है जो इनके तलवे चाट रहे हैं उनके भी खिलाफ ये कार्यवाही करने से नहीं बाज आ रहे तो इस तरह करके इन्होंने धीरे धीरे करके पूरा इंडिया लूटा और अट्ठारह में फाइनली एक आदमी ये डलहौजी गया और एक आदमी आया जिसका नाम है लॉर्ड कैनिंग 1856 तब तक क्रांति का माहौल पूरी तरह से तैयार था और इंडियन आम जनता आदमी किसान मजदूर सब दुखी थे सैनिक हर तरफ क्योंकि आर्थिक शोषण लगातार किया गया इंडिया का पैसा लगातार पानी की तरह बहा दिया गया ब्रिटेन की तरफ जिस चीज को हम सोच नहीं सकते हम कभी गरीब थोड़ी थे हमारे इंडिया को कितने लोगों ने लूटा सत्रह बार आक्रमण किए थे तब इंडिया का कुछ नहीं बिगड़ा न जाने कितनी बार कितने बड़े बड़े मंदिरों को लूट के ले गए चाहे अहमद शाह अब्दाली जैसे लोग हों चाहे नादिर शाह जैसे लोग जो हमारा तख्ते ले ले गए गए कोहिनूर हीरा ले गए, तब भी हम अमीर थे हमारे ऊपर असर नहीं आया लेकिन अब हमारे ऊपर असर दिखने लगा क्योंकि हम अब धीरे धीरे करके जो हमारी जड़ें थी ना उनकी मजबूती खत्म होती गई हमारी जड़ें थी हमारी खेती हमारी जड़ें थी हमारे जो यहाँ पे आ, कारीगर थे हमारी जड़ें थी हमारा कपड़ा बनाने वाले लोग जैसे विदेशी आते लूटते भाग जाते क्या फर्क पड़ता हमारी मिट्टी में इतनी अच्छी खेती थी अगले साल फिर हम अमीर बन जाएंगे हमारे यहाँ इतना बहुतायत में रिसोर्सेज थे सोना तांबा पीतल सब कुछ इतना निकलता था मिट्टी से पहाड़ों से पठारों से कि हमें लगता था कोई फर्क नहीं पड़ता लूट के ले गए अपनी किस्मत का है और हम नया अपना निकाल के फिर मूर्तियां बना लेते लेकिन अब फर्क पड़ेगा क्योंकि अब खेती को बर्बाद किया जाएगा अब उद्योग धंधों को तबाह किया जाएगा जब खाने कमाने के जरिए नहीं होंगे तो कॉमन सेंस है कि देश गरीबी की तरफ चलेगा और धीरे 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 सौ सालों में ऐसा कर दिया कि नहीं देगी। और धीरे, धीरे करके भारतीय उद्योग धंधे चौपट हो जाएंगे जो यहाँ पे खेती थी हम आत्मनिर्भर थे हम खुद कमाते थे खुद कपड़े बनाते थे खुद के मार्केट थे खुद का कच्चा माल था लेकिन अब हमारा सारा कच्चा माल क्योंकि मार्केट में नीड ही नहीं है तो विदेश जाने लगेगा ब्रिटेन जाने लगेगा वहां बड़ी बड़ी मशीनें खड़ी कर दी गई हैं ताकि कपड़ा बनाया जा सके और वो तैयार शर्ट पेंट कपड़े यहां लाए जाएंगे क्योंकि यहां बहुत बड़ी आबादी है मार्केट बहुत बड़ा है तो कच्चे माल में भी नुकसान में हम जाएंगे उनकी मर्जी से ददनी प्रथा जो कह देंगे वो प्राइस मिलेगा हमें और उसके बाद बिके हुए जो बने हुए माल है इसका मार्केट भी हम बनेंगे और हमें हमारे इंडिया को खूब लूटा जाएगा इतनी सस्ती सस्ती चीजें खूब महंगी बनाकर दी जाएंगी क्योंकि अब ऑप्शन खत्म कर लिए अब इन इंडियन सारे उद्योग धंधे बंद हैं, सिर्फ अंग्रेजी राज में बना हुआ कपड़ा यहाँ आएगा तो फिर जैसा चाहेंगे वैसी कीमत लेंगे तो धीरे धीरे करके इंडिया को इस तरह से पंगू बनाया गया इस तरह से अपाहिज बनाया गया इंडिया की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी पर वार किया गया कि इंडिया आज तक उभर नहीं पाया इंडिया अमीर देश थोड़ी आज इंडिया बेहद गरीब भ्रष्टाचारी और जहां के लोगों को बहुत ज्यादा ये मान लीजिए लिबर्टी भी नहीं है जैसी कि होनी चाहिए तो इन सब का सबसे बड़ा कारण है विदेशी अटैक और विदेशी अटैक मध्यकाल में भी थे लेकिन उनसे हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ता था अटैक होने के साथ साथ जो यहाँ की संस्कृति को खत्म कर दिया जो यहाँ की सभ्यता को नष्ट कर दिया हमारे खान पान पहनावे हर चीज को बदल के रख दिया भाषा को बदल के रख दिया क्योंकि अब ये डिसीजन लेते थे इंडिया में कौन पढ़ेगा कैसे पढ़ेगा क्या पढ़ेगा इंडिया में कपड़े कैसे ज्यादा डिमांड में रहेंगे कौन सी चीजें इंडिया के के मार्केट में बेची जानी चाहिए जब हमारा अपना कुछ नहीं रहा तो हम हाथ फैला इनके सामने खड़े थे जैसी इनकी मर्जी थी ये वो करते थे अब ऑप्शन नहीं बचे थे स्टार्टिंग में तो हमारे सामने ऑप्शन था याद करो हमारे राजा ने क्या कहा था मीर कासिम ने कि अगर तुम टैक्स नहीं दोगे तो कोई बात नहीं मैं अपने कारीगरों का टैक्स करूंगा क्योंकि उस टाइम इंडिया एक ऑप्शन था हमारे सामने अंग्रेज या इंडियन तो अगर तुम लोग ज्यादा महंगा बेच रहे हो तो मैं अपनों का टैक्स घटा के तुम्हारी बराबरी में ले आऊंगा इंडियन सामान बिकेगा अंग्रेज भी ये बात जानते थे कि हमारी क्वालिटी उनकी क्वालिटी से फार बेटर है लेकिन उन्होंने धीरे धीरे करके हमारे उद्योग धंधों का पैसा कमाने का जो जरिया था ना वो खत्म कर दिया कोई भी फैक्ट्री इंडस्ट्री कितने दिन चलेगी नुकसान तो कोई लंबे पूरी जिंदगी तो नुकसान नहीं उठा सकता ना धीरे धीरे करके हमारी फैक्ट्री इंडस्ट्री छोटे मोटे जो कारीगर थे जो काम करके पैसा कमाते थे वो सब खत्म हो गया और अब सब अंग्रेजों के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि इनकी दया से हमें नौकरियां मिलेंगी इनकी दया से हमारे मार्केट में सामान आएगा इनकी दया से हमारा कच्चा माल बिकेगा तो हर चीज के लिए प्राइवेट सेक्टर पर हम डिपेंड हो गए और प्राइवेट सेक्टर जहां लग रहा था स्टार्टिंग में कि बहुत अच्छा है अब वो अकेला रहेगा अब सरकारी कुछ नहीं रहा और इसीलिए अब वो अपनी पूरी मर्जी पर उतर आए क्योंकि उनका विरोध करने वाला कोई बचा ही नहीं था अब वो कपड़े को जितना चाहे महंगा चेप सकते थे हमें खरीदना पड़ेगा हमारे पास ऑप्शंस बंद कर दिए ये तरीका था उन्होंने इस तरह से चीजों के ऊपर हावी होकर हमारे ही नहीं सब कुछ विदेशी था विदेशी पहनावा पहनना उनके जैसा खाना खाना उनके जैसी वाणी बोलना इस सब में धीरे धीरे करके हमारी कल्चर को हमारी संस्कृति को नष्ट कर दिया और यही कारण है कि आज तक इंडिया उभर नहीं पाया सत्तर साल हो गए हमें आजाद हुए तिहत्तर साल लेकिन आज भी तुम अपने आप देखो एनालाइज करो कि क्या तुम्हें लगता है कि ओरिजिनल इंडिया है ये ये इंडिया एक ऐसा चोला पहन के खड़ा हुआ है जिसमें सब कुछ फिरंगी है सब कुछ विदेशी है हमारे खान पान का तरीका लगातार पीढ़ी पीढ़ी दर पीधी, अंग्रेजों को कॉपी करते जा रहे हैं हमारा पहनावा धीरे धीरे हमने पूरी तरह से अंग्रेजों जैसा बना लिया अब जो बच्चियां हैं अब जो लड़के हैं आप देखो जो अब पीढ़ी आ रही है जो आज पंद्रह साल के हैं सोलह साल के हैं आप उनका खान पान देखो उनका पहनावा देखो आपको कहीं से भी है कोई भी रंगत नजर नहीं आएगी सब कुछ विदेशी है चाहे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हो या प्राइवेट स्कूल में या कॉन्वेंट स्कूल में सब रंगे हुए हैं विदेशी रंगत में विदेशी का मेन मतलब है अंग्रेजों की रंगत में उनके जैसे बाल चाहिए उनके जैसा खान पान चाहिए उनके जैसी भाषा चाहिए उनके जैसे स्टाइल में रहना उनकी तरह जीना यह आज भी दास्ता का प्रतीक है और ये अंग्रेजों ने एक दिन में थोड़ी किया एक साल में उन्होंने हमारे दिमाग में ये ठूस दिया कि तुम इस लायक नहीं हो कि तुम राज कर पाओ और ये तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया जो हमें ये मिल गया अपने देश पर राज करने का मौका नहीं तो अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता तो ये कड़वी सच्चाई है कि, कि किसी चरखे में इतनी ताकत नहीं थी कि अंग्रेज़ों के झंडे को झुका सके अंग्रेजों का सूरज कभी नहीं ढलता था पूरी दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर उनका राज था कि अगर आधी दुनिया में रात थी तो उनका राज दूसरी आधी दुनिया पर था किसी न किसी देश पर कहा गया कि अंग्रेजों के देश में सूरज कभी ढलता नहीं प्रैक्टिकली तो ये ब्रिटेन दिमाग के बलबूते पूरी दुनिया पर उनका राज, चलता था। पूरी दुनिया पे राज कर गया और सब पे भी उसने राज किया लेकिन सबने धीरे 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 करके अपनी संस्कृतियों को वापस इकट्ठा कर लिया अपनी सभ्यता को अपने कल्चर को वापस से जाने के बाद उसको अपना लिया लेकिन हम इंडियंस पूरी तरह से उनके रंग में रंग गए और आज तक भी हम अपने कल्चर को अपनी संस्कृति को अपनी सभ्यता अपने संस्कारों को अपना नहीं पाए यही कारण है कि इंडिया लगातार पिछड़ता जा रहा है आजादी के मायने होने चाहिए कि इंडिया उन चीजों को जो हमारा बेस था ना देखो रूढ़ीवादीता होती है गलत उसको नहीं अपनाना मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी सती प्रथा दोबारा आ जाए या विधवा विवाह बंद कर दिए जाए या पर्दा व्यवस्था दोबारा है नहीं लेकिन जो अच्छाइयां थी हमारी जो हमारे संस्कार थे जिस कारण अशोक को दुनिया आज भी पढ़ती है जिस कारण महात्मा बुद्ध के ऊपर रिसर्च करने आज भी विदेशी आते हैं महात्मा बुद्ध के अलावा महावीर स्वामी की बात करें या हम वैदिक काल की बात करें जानकी और जो ये पुराने थे ना राम भगवान जिनको हम मानते हैं ये सच में वैदिक काल के राजा थे इनको भगवान इसलिए कहा गया क्योंकि अपने सिद्धांतों पर खड़े हुए थे और और अगर हम देखें मगध वाला जो मौर्य चाणक्य का काल था क्या उसमें कोई कमी थी कोई कमी बड़ी नजर नहीं आती यानी इंडिया की वो जो पुराना बेस है ना वो दोबारा चाहिए घटिया चीजें बीच में आई वो हमें नहीं चाहिए लेकिन वो पुरानी कल्चर वो पुरानी संस्कृति चाइना भी तो कभी बहुत ऐसा नहीं था कि एडवांस था हमारे तो दो साल बाद चाइना में साम्यवाद प्रॉपर तरीके से आया 1949 में लेकिन आज चाइना कहाँ और हम कहां इसका कारण क्या है चीन ने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा चीन में आज भी चीनी भाषा मंदारिन भाषा बोली जाती है वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बड़ी भाषा बोली जाने वाली चाइनीज आज भी कहीं जाते हैं तो अपने कल्चर के अकॉर्डिंग खाना खाते हैं अपने कल्चर के अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं उनका कल्चर खत्म नहीं हुआ लेकिन हमने अपने कल्चर को पूरी तरह से खत्म कर दिया और इस चीज़ में ये मान लो कि हमारी बेवकूफ़ी ही थी अंग्रेज़ों के जाने के बाद तो कम से कम अपनी पुरानी चीज़ों को बहाल कर लेते और आज भी नहीं कर रहे अब इसलिए बहुत बड़ी ज़रूरत है कि पढ़ लिख के अपने पुराने इतिहास से हम जागरूक बने उसके प्रति और देखें कि इंडिया क्या कुछ कर सकता है सत्तावन की क्रांति तक के इतिहास की हमने बात कर ली कैनिंग वो आदमी है जिसके टाइम में सत्तावन की क्रांति की शुरुआत हुई और यही अंतिम गवर्नर जनरल है भारत का और यही भारत का पहला वॉयस राय है जैसे विलियम बेंटिक था ना बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला गवर्नर जनरल ऐसे कैनिंग भारत का लास्ट गवर्नर जनरल और इंडिया का पहला वाइस है ये दो नाम याद रखना तो यहाँ कौन आएगा क्लाइव जिसने द्वैद शासन की बात की यहाँ कौन आएगा हेस्टिंग्स जिसके ऊपर देखो महाभियोग चला था जिसने बहुत सारे काम किए थे इंडिया में मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया भी था हमने कल छप्पन के डलहौजी को पूरा किया आज जो हम बातचीत करेंगे वो कैनिंग के काल की करेंगे कैनिंग अब ये जो कैनिंग है ना ये आया है और इसको बना बनाया माहौल मिला 1856 में ये आया तो आप ये लगा लो 1800 लगभग लगभग ये बासठ तक रहा यानी छः साल इन 6 सालों में इंडिया में बहुत कुछ बदला और बड़ी बात करूं तो क्रांति का जन्म हुआ उस क्रांति ने फिर पूरे सिस्टम को बदल के रख दिया तो इसके टाइम की सबसे बड़ी देन अगर कहेंगे तो क्रांति भारत में एक क्रांति हुई थी अट्ठारह की क्रांति मैंने ना बीच में आप लोगों को एक दिन बुक की भाषा में नहीं पढ़ाया क्रांति का पूरा इतिहास आपके सामने खोला था ये सत्तावन की क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कहीं से कुछ भी आ सकता है कई बार क्वेश्चन देखा जाता है कि दिल्ली में इसका लीडर कौन था या बरेली में कौन था या लखनऊ में किसने संभाला या कानपुर में किसने संभाला इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि शुरुआत कहाँ से हुई कौन सा इसका कारण था राजनीतिक कारण कौन से थे आर्थिक कारण कौन सा नहीं था या इसका तात्कालिक कारण क्या था ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया था ये मैंने आपको कहानियों के माध्यम से बताया आज

की बात है यहां पूरे देश को दबाया जा रहा था पूरे देश को एक्सप्लॉयट किया जा रहा था तो यह तो लाजमी था कि कुछ दिन बाद जब इतना अंग्रेजों के हमारे सिर पे से पानी गुजर जाएगा ना इनकी व्यवस्था के कारण तो हम उल्टा बोलेंगे हम इनके खिलाफ खड़े होंगे और उसी का एग्जाम्पल है सत्तावन की क्रांति इस सत्तावन की क्रांति की शुरुआत जो हुई उसके कारणों पर नजर डालें तो आर्थिक कारण है भाई पैसा हमारा लूट के अपने देश में ढोते जा रहे हो अगर मुगलों को देखें विदेशी थे मुगल हमारे नहीं थे लेकिन मुगलों ने सारा पैसा यहां लगा दिया आज भी मुगलों की बनाई जितनी उनकी प्रॉपर्टी थी बड़ी बड़ी जो उस टाइम के इंडियंस के टैक्स से बनी थी आज तक हम उससे पैसा कमाते हैं आज दुनिया में हमें जाना जाता है ताजमहल के लिए लाल किले के, के लिए आगरा के किले के, के लिए जामा मस्जिद के लिए सब उन्हीं के दिन हैं उनके बनाई चीजों से आज हम पहचाने जाते हैं क्योंकि उन्होंने यहाँ का पैसा अपने देश में नहीं भेजा उन्होंने कहीं तुर्क में या कहीं अरब कंट्रीज में पैसा नहीं भेजा यहां आए यहीं रह गए अगर लूट स्टार्टिंग में की और बाद में चाह बसना है तो बसने का मतलब था फिर उनकी डेड बॉडी भी यहीं दफन कर दी ज्यादातर की तो तो आप ये देखो कि वो पूरी तरह इंडियन बन गए थे हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने कभी भी इंडिया आ, के खिलाफ इस तरह से काम किया इंडिया पे थे तो इंडिया पे कोई नज़र उठा के देख नहीं सकता था इतनी स्ट्रांग उनकी हुकूमत थी बहुत अच्छी बात है तब तक इंडिया इंडिया था इंडिया का पैसा इंडियंस का पैसा था इंडिया में जो भी काम होता था वो हमारे भले के लिए था चाहे देखने में हमें लगे कि स्ट्रिक्ट थे लेकिन अगर एनालाइज करें औरंगजेब ने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बनाई जितनी ना कुछ किया क्या औरंगजेब के कारण जितना भी चीजें बनी या इकट्ठी हुई उनका फायदा इंडियंस को नहीं मिला मिला बिल्कुल मिला औरंगजेब की स्ट्रिक्टनेस उसके बाप दादा पुरखों के कारण आप ये देखो कमजोर लोग 1707 में तो औरंगजेब मर गया 1707 से अट्ठारह तक वो लोग राज करते रहे चाहे सिमटा हुआ ही सही यानी कितनी बड़ी धाक थी उस खानदान की कि 1707 में जिनका आदमी मर रहा है लास्ट स्ट्रोंग आदमी वो अट्ठारह तक दिल्ली के लाल किले में बैठे हैं डेढ़ साल नाकाबिल लोग भी डेढ़ साल तक राज कर गए नाकाबिल एक दो साल में हट जाते हैं से ये आइडिया लगाओ कि इनके पूर्वज कितने काबिल थे जिनकी बनाई प्रॉपर्टी जिनका नाम अब तक चल रहा था और लोग मुगलों की इज्जत करते थे कि भाई ये मुगल बादशाह हैं डेढ़ सौ साल तो निकम्मे निठल्ले कोई रंगीला कोई शाहे बेखबर मुअज्जम जिनको अकल नहीं कोई लंपट मूर्ख महामूर्ख इस तरह के लोग भी डेढ़ सौ साल काट गए डेढ़ सौ साल आप मजाक मत समझिए एक पीएम पांच साल काटता तो देखो कैसा लगता है हमें डेढ़ सौ साल इनका खानदान राज करता रहा तो कुछ ना कुछ रहा होगा सबसे बड़ी बात यही है कि अपने आपको इंडियन मान लिया था यहीं मरे यहीं दफनाए गए यहीं के लोगों से पैसा कमाया नहीं ले गए ईस्ट इंडिया तो की यहाँ की की के लोगों को अकल नहीं है यहां गद्दार भी इनका हम यूज कर सकते हैं और ऐसी वसी ऐसी वसी कि सारा पैसा लगातार 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 शोषण कर करके अपनी कंट्री भेज दिया खुद तो रात प्रगति करते गए आगे बढ़ते गए अमीर बनते गए और हम जैसे देश लगातार गरीब तो खैर हम हो नहीं सकते थे इनके ऐसे लूटने से लेकिन हम लोगों की जो इन्होंने व्यवस्था खराब कर दी ना जो हमारी आत्मनिर्भरता खराब कर दी इस कारण हम गरीब हो गए और सिर्फ पैसे से गरीब नहीं हुए हमारा कल्चर भी पिछड़ गया इनके कारण हमारा तरीका पिछड़ गया हमारे सोच विचार का तरीका बदल दिया इन लोगों ने तो यह गलत था यह बहुत गलत था क्योंकि किसी भी देश के विकास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है उसकी संस्कृति कोरिया में आज भी लोग कोरियन भाषा बोलते हैं वही खाते हैं जो पुराने उनके पूर्वज खाते थे हम कैसे सब कुछ बदलते चले गए आज हमारे देश में जो अगली पीढ़ी है ये पिज्जा बर्गर मैगी खा के पैदा हो रहे हैं और ऐसे ही पल रहे हैं इनको पता ही नहीं है कि हमारा कल्चर था ही नहीं है गंदगी खाने का हमारे कल्चर में तो मोटा अन्न खाने का कल्चर था हमारा हम बाजरा गेहूं चावल ये खाने वाले लोग थे हमारे यहाँ पे इस तरह से कोई पिज्जा और ये तो पता भी नहीं थे लेकिन अब जो पीढ़ी आ रही है आप उसको देखो वो पूरे तौर तरीकों से अंग्रेजों के कॉपी हैं, टू कॉपी दिखते हैं आज से तीस चालीस साल बाद का भारत अब तक देखना भारतीयों को देखने के लिए तरस जाएगा क्योंकि पूरी तरह से पीढ़ी अंग्रेजों को कॉपी करती जा रही है लगातार और स्पीड से अब ज्यादा स्पीड से ठीक है तो सत्तावन की क्रांति का सबसे बड़ा कारण क्या था शोषण हर पार्ट पे शोषण था चाहे मजदूरों की बात करें हम किसानों की बात करें पूरी तरह से पैसा लूट लूट के अपने देश भेज रहे थे और बदले बदले में में हमें हमें कुछ 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 नहीं मिल रहा था जब पहले पैसा लूटते थे थे ना ना वो लोग तो बदले में हमें कुछ कुछ सिखा के जाते थे. इन लोगों ने इंडिया से सिर्फ और सिर्फ लूटा इंडियंस को परेशान किया उनकी जमीनें छीन ली इनाम कमीशन कल पढ़ाया था ना लग रहा है कोई इनाम देगा क्या किया था ये पता लगाओ कौन टैक्स नहीं देते छुटपुट गांव और उनके गांव की प्रॉपर्टी को बीआईसी का हिस्सा बना लो इतना गलत तरीका था इनका इंडिया पे राज करने का सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन अगर एक आदमी किसी को अपने यहां नौकर रखता है तो देखो उस नौकर की भी तो केयर की जाती है ना आपने देखा होगा पुराने टाइम में राजा महाराजा अपने जो महल में लोग होते थे उनको देखो त्योहारों पर और कुछ अच्छा करने पर अपने गले से माला निकाल के दे दी इस तरह का कल्चर था ना हमारा यानी बदले में हमेशा कुछ ना कुछ दिया जाता है या अपने से निचले स्तर पर अगर कोई है तो उसकी भलाई के लिए उच्च स्तर के लोग काम करते थे लेकिन इन लोगों ने क्या किया यहाँ से पैसा लूटते रहे लूटते रहे बदले में हमें कुछ दिया ही नहीं हमें क्या खास दिया है इन लोगों ने अगर रेल चलाई तो हमारी पैसे से चलाई ना हमारे देश के लिए क्या किया अपने फायदे के लिए चला के गए उस रेल को हमारे इंडियंस के फायदे के लिए नहीं मैंने तब भी बताया था कल भी कि अट्ठारह सो तिरपन चौवन में कौन इंडियन ट्रेवल करता था गाँव आत्मनिर्भर थे किसी भी गाँव को बिहार के किसी गाँव के आदमी को दिल्ली जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी वो बिहार के उस गाँव में मस्त था हरियाणा के किसी आदमी को जरूरत नहीं थी कि वो हिमाचल प्रदेश

इसका कारण है विद्रोह बहुत छोटे होते हैं विद्रोह होता है कहीं दस बीस लोगों ने खड़े होकर कुछ भी बोल दिया कि ऐसा कैसे है ये है वो वो विद्रोह ही है लेकिन क्रांति का मतलब होता है जब लोग मन से आत्मा से आपके साथ जुड़े हों और वो चाहते हो मन से कि बदलाव आना चाहिए तो क्रांति करनी पड़ती है विद्रोह तो कहीं भी हो सकता है दो लोग चार लोग दस लोग बीस लोग भी कर सकते हैं उसको दबाया जाना बहुत आसान है लेकिन क्रांति की जो मशाल जगती है उसका असर कहीं ना कहीं पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है भगत सिंह ने क्रांति की मशाल जलाई थी भगत सिंह विद्रोही नहीं है भगत सिंह क्रांतिकारी है तो क्रांति बड़ी चीज होती है विद्रोह छोटी चीज होती है अंग्रेजों ने क्या कहा जब ये क्रांति हो गई ना तो उन्होंने कहा ये कुछ नहीं था ये उनसे पूछा कि भाई ये क्या हुआ तो बोले कुछ नहीं था ये कुछ फालतू निठल्ले लोगों ने ऐसे ही थोड़ा विद्रोह सा कर दिया था उनका कहना था कि इंडिया तो इसमें शामिल ही नहीं था इसमें तो ये मुट्ठी भर सैनिकों ने किया था बस और देखा जाए तो शुरुआत ऐसी ही हुई थी हाँ हर इंडियन मन से क्रांति के साथ था लेकिन जब जरूरत पड़ी तो संगठित नहीं थे हम हमारी यूनिटी दिखाई नहीं दी जैसे आज का दौर है ना अब देखो आजकल कल आपने सुना हो द लल्लन टॉप आजकल कवरेज दे रहा है तो कह रहा था योगी सरकार ने कहा है कल मीटिंग हुई है यूपी में और योगी सरकार ने कहा है कि अगले छह महीने के अंदर सारे रिक्त पदों की जानकारी तो उन्हें आज ही चाहिए थी वो कह रहे थे उन्नीस बीस तारीख को भाई उन्नीस तक मुझे आज उन्नीस है हाँ, कल कल मैं सुन रही थी वो कह रहे थे 19 तारीख तक मेरे टेबल पर फाइल होनी चाहिए कहां पे कितनी रिख्तियां हैं यूपी में और फिर कहा कि अगले छह महीने के अंदर सबकी भर्ती की प्रक्रिया पूरी करवा लेंगे चाहे मान लीजिए झूठ बोल रहे हैं हम एक परसेंट मान लेते हैं लेकिन इससे ये तो पता चला कि सरकार जागी है कम से कम इतनी कि उसको ये समझ में आया कि युवा सरकार के खिलाफ है सरकार के विरोध में है मैं कल वो पीएमओ वाला चेक कर रही थी तो मैंने देखा सारे कमेंट्स टर्न ऑफ हैं सारे के सारे जो इस हफ्ते के जितने कमेंट्स हैं ना जो भी पीएम ने किया कोई भी अच्छा उद्घाटन भी करने पहुंचे तो उसमें कोई कमेंट नहीं लिख सकते आप लिख दोगे ना तो वो दिखेगा ही नहीं कोई कमेंट उसमें विजिबल नहीं है एक भी कमेंट तो इससे क्या पता चलता है कि पीएम को अगर अपना ये कमेंट्स ऐसे करने पड़ रहे हैं तो लोगों ने कितना बुरा भला लिखा होगा और उनकी एक बहुत बड़ी टीम है

लोकतंत्र की हत्या भी होती है क्योंकि वो लेकिन हाँ इतना तो मान के चलो कि मोदी जी के कानों तक ये बात तो गई कि भैया जो भी मैं बोल रहा हूं जनता जनता इन द सेंस ये बेरोजगार युवा यह मेरे पक्ष में नहीं है तो वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं देखो कामकाज दिखावटी ही सही लेकिन हो रहा है इससे यह बात समझ में आती है कि अगर क्रांति की शुरुआत हो जाती है और लोग अगर अपने प्रति जागरूक हो जाते हैं अपने अधिकारों के प्रति तो फिर बड़े बड़े सिंहासन भी हिल उठते हैं ये फैक्ट है सत्तावन की क्रांति में यूनिटी की कमी थी और आज भी ये सच्चाई है देखिए आप लोग सारे युवा हैं जितने लोग मुझे सुन रहे हैं यूनिटी है आप लोगों में लेकिन जब तक एक संगठित नेता नहीं होता ना सत्तावन की क्रांति से इस चीज़ को मानो जब तक कोई ऐसा ताकतवर लीडर नहीं होता तब तक क्रांति का आगाज तो करना बहुत आसान है लेकिन उसको अंजाम तक पहुंचाना नामुमकिन होता है एक एक आदमी को तो पुलिस कुछ भी नहीं समझती वो सौ दो लोगों को गायब करवा देगी मरवा देगी बहुत आसान काम बहुत ही आसान काम है ये इनके लिए सेकेंड्स का काम है पता भी नहीं चलेगा जो चार पांच लीडर मान लीजिए कोई लड़के बनेंगे और वो जाएंगे तो महीने भर के साथ जुड़े और हर कोई जागरूक हो, हाँ, हो रहा है सही सही क्रांति से समझ लेना आज, कि किस तरह के कि कमियों के कारण चीजें विफल हो जाती हैं और क्या चीजें अगर हो तो फिर सिंहासन भी बोल पड़ते हैं और वो कहते हैं भैया छोड़ दो सिंहासन को टाइम ठीक नहीं है तुम्हारा आज मोदी सरकार को धीरे धीरे ये बात समझ में आ रही है और ऐसा नहीं हो सकता कि मोदी जी के कानों में यह बात ना हो कि मेरे सारे कमेंट्स टर्न ऑफ करने पड़ते हैं मेरी स्पीच के क्योंकि लोग बुरा भला लिखते हैं ऐसा नहीं हो सकता आपको मैंने अच्छी तरह पढ़ाया हुआ है हर हर दिन में हर राज्य की रिपोर्ट गृह गृह मंत्री मंत्री के पास जाती है आंखों से पढ़ी जाती है वो रिपोर्ट क्या वो नहीं पढ़ेंगे कि यूपी क्या कर रहा है दिल्ली क्या कर रहा है हरियाणा क्या कर रहा है बिहार क्या कर रहा है ये पूरा उत्तर भारत साउथ में तो चलो उतना क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का बोलबाला ज्यादा है लेकिन फिर भी वो भी एक्टिव है वर्टिव नहीं है लेकिन नॉर्थ इंडिया तो पूरा एंटी है तो ये क्या अगले पंद्रह दिन में ये रिपोर्ट नहीं जाएगी पीएम के कानों में ये तो लिखित में जाएगा वो एक्टिव है सब लोग समझदार होते हैं सब देखते हैं आजकल रुख किस तरफ है और ये सरकारें समझ गई हैं नहीं तो योगी सरकार एक दिन में फाइल मंगवा ले कह दिया 19 तारीख को मेरे टेबल पे फाइल चाहिए और 6 महीने भर्ती प्रक्रिया पूरी अगर जुमला भी है तब भी इतना बोल दिया क्या कम है नहीं तो तानाशाही भी तो दिखा रहे थे तो कहीं ना कहीं वो फील कर रहे हैं कि जनता को फेवर में लेने के लिए यंग क्राउड को अपने फेवर में लेना पड़ेगा हो सकता है पेपर हो जाए एक आधे साल में थोड़ा सा दिखावटी ही सही कुछ लोगों को लगा लें और फिर सोचें कि चलो तीन चार साल छुट्टी कर दी तो अब ढंग से पढ़ लो पेपर तो होंगे ही होंगे सरकार के कानों की घंटियाँ बज रही हैं कि भैया अलार्म बज गया अब टाइम है अगर अब नहीं संभाली बात तो हाथ से निकल जाएगी क्योंकि युवा शक्ति जिस तरफ चलेगी देश उसी तरफ चलेगा का युवा के पीछे अकेला युवा नहीं है उसका पूरा परिवार है उसके मां-बाप हैं उसके भाई-बहन हैं उसके घरवाले हैं तो एक बहुत बड़ी जनसंख्या सरकार के एंटी विरोध में है और ये क्रांति बन सकती है अगर सरकार टाइम पे नहीं संभली आज देखने में विद्रोह लग रहा है लेकिन ये क्रांति बनते देर नहीं लगेगी इसलिए सरकारें बयान दे रही हैं नहीं तो तुम्हें लगता है ये रेल मंत्री इतनी जल्दी बयान दे दे या ये सीएम यूपी वाले बयान देते कोई बयान नहीं देता पांच साल से सोए हुए थे क्या अब कैसे जागे क्योंकि अब दिख गया कि लोग सड़कों पे हैं लोग मार खा रहे हैं पुलिस की पुलिस पकड़ के ले जा रही है फिर भी विरोध लगातार बढ़ रहा है ये जो ट्विटर कैंपेन है ना इसने दिखा दिया कि युवा शक्ति में ताकत है तो सत्तावन की क्रांति से अपने इस चीज को जोड़ के भी समझना सत्तावन का विद्रोह विद्रोह के कारण क्या है पहला लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति आज की सरकार की रोजगार हड़प नीति हो गई है तब डलहौजी की राज्य हड़प थी इनकी रोजगार हड़प हो गई तो राज्य हड़प नीति और लॉर्ड वेलेजली ये वे हटा देना वेलेजली की सहायक संधि ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि भैया खर्चा हिंदुओं इसका इंडियंस का हिंदू मुसलमान तो क्या इंडियन मुसलमान इसका भाई मुसलमान भी थे क्योंकि हैदराबाद तो मुसलमानों का था और जो अपना इस तरफ का इलाका था वो सारा हिंदुओं का तो इंडियन राजा खर्च करे सेना हमारी पले कोई दिक्कत हो तो हमें बता देना सबसे बड़ी दिक्कत तो तुम खुद हो लेकिन तुम मानोगे थोड़ी आगे क्या कह रहे हैं राजनीतिक कारणों के साथ ही, प्रशासनिक कारण भी क्रांति के लिए उत्तरदायी थे राजनीति तो थी ही थी भाई हमें पूरी तरह से बर्बाद किया जा रहा था इंडियंस को खत्म कर रहे थे एक चीज और बताती हूँ जैसे आज के परिपेक्ष में समझो उस टाइम भी बहुत सारे इंडियंस फायदे में थे जब ये क्रांतियां हो रही थी ना तो बहुत सारे इंडियन तो आए ही नहीं इंडियन अमीर नहीं आए आज भी नहीं आएंगे जो अमीर लोग हैं ना भारत में वो नहीं आएंगे सरकार के विरोध में तो मैं क्या लगता है कि सारा इंडियन शोषित था नहीं 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 इंडिया का एक हिस्सा अमीर हिस्सा अब लगान मूवी देखना एक जो राजा है पूरी मालाएं वालाएं पहना अंग्रेज के साथ बैठा है ये मत सोचो कि सब दुखी थे इनके घर वालों को इनके लड़कों को इनकी बेटियों को इनकी पत्नियों को, कोई दिक्कत नहीं थी इंडिया जाए भाड़ में हमारा जीवन राजसी है और अंग्रेज समझते थे ये बात कि अगर सबको एक्सप्लॉयट किया तो हम फंस जाएंगे इसलिए वो इंडियन कुछ चाटू इंडिया के ही उस टाइम उनके अंधभक्त जो थे जो कहते थे कि क्या हो गया अंग्रेज राज कर रहे हैं तो अंग्रेज हमारे जीवन को अच्छा बनाएंगे क्योंकि वो अमीर थे आज भी ऐसा ही हो रहा है सरकार का विरोध जो ज़्यादा अमीर है वो कहाँ कर रहे हैं नहीं वो करेंगे क्योंकि वो जानते हैं कि सरकार की कोई भी नीति होगी उनको आराम से जीवन जीने को मिलेगा उनके बच्चों का जीवन भी आरामदायक है ये विरोध कौन करेंगे जिनको ये दिख रहा है कि समाज का बीस तीस चालीस साल बाद बहुत बड़ा नुकसान सामने आएगा और उस टाइम के लोग वो मेंढक की तरह एडजस्ट करते 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 उछाल मारने लायक ही नहीं बचेंगे अब टाइम है जब ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना जब इतना बड़ा बदलाव आ रहा है तब क्रांति तब जरूरत है हमारे जागने की आज से 30-40 साल बाद तो जो पीढ़ियां बड़ी होंगी वो ये मान के बड़ी होंगी कि भाई नौकरियाँ नहीं मिलती हैं और नौकरी नाम का शब्द हो सकता है उनको सरकार की तरफ से कभी सुनाई ना दे या कल्याणकारी राज्य नहीं होते हैं या सरकारी अस्पताल क्या होते हैं उन्हें पता ही ना चले ये सब बर्बाद कर दिए जाएं ये सब बेच दिए जाएं बेसिकली बेच दिए जाएं निजीकरण के तहत इन बड़े बड़े अमीरों को ताकि इनकी देखो अंग्रेजों ने क्या किया स्टार्टिंग में जब आए तो हमारे पैरल काम किया ऐसे ही इंडिया में निजीकरण वालों ने जो ये अमीर थे इन्होंने सरकार के पैरेलल काम किया सरकारी स्कूल के साथ साथ स्कूल चलाए और धीरे धीरे क्या दिखाया कि देखो हमारे स्कूल के बच्चे कितने स्मार्ट हैं, एक्टिव है अंग्रेजी बोलते हैं सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती नालायक है इनको कुछ नहीं आता इनका कोई भविष्य नहीं है दो चीजें बराबरी पर चल रही थी इसकी इतनी बुराई कर दी कि लोगों के मन में ही नेगेटिव हो गया क्यों अरे सरकारी है अरे सरकारी में पढ़ता है अरे सरकारी स्कूल का क्या यानी सरकारी को सरकार ने सुधारने की नहीं सोची सरकार क्यों नहीं तबाई सामने जब ये सरकारी स्कूल नीचे जा रहे थे क्या हमारे पापा के टाइम पे जब हमारे माँ बाप पढ़े तब क्या कॉन्वेंट स्कूल थे नहीं थे तब सरकारी स्कूल थे तब सरकारी स्कूलों से पढ़ के लोग अफसर बन जाते थे फिर ऐसा तीस चालीस सालों में क्या आग लग गई इस देश में कि सरकारी स्कूल ही खराब हो गए जान के प्लान करके सरकारी स्कूलों को नीचे दिखाया गया नीचे किया गया इनफैक्ट ये दिमाग

अपने काम से क्योंकि सरकार ने शय दी कि तुम बिगड़ो तुम काम मत करो तुम कामचोर बनो फाइनल ये था ना कि ये दिखाना है कि देखो सरकारी कुछ नहीं होता अब आप सरकारी अस्पतालों की हालत देख लो टाइम पे वहां दवाइयां नहीं मिलेंगी वहां एक्सरे की मशीन नहीं मिलेगी वहां कोई भी सुविधा नहीं है क्यों क्योंकि लंबे टाइम बाद दस बीस साल बाद ये भी कहेंगे कि सरकारी अस्पताल में कुछ भी नहीं होता सरकारी को बेच दो कोई यहां से फायदा नहीं होता फिर बेच के क्या करेंगे फिर उस टाइम पे ना आज से बीस तीस चालीस साल बाद पूरे देश में सिर्फ एक राज करेगा वो होगा प्राइवेट सेक्टर जैसे कंपनी ने राज किया धीरे धीरे करके हमारे सारे मिस्त्री हमारे जितने मजदूर थे हमारे किसान थे वो सब खत्म करवा दिए ना पहले दो चीजें बराबरी पर थी धीरे धीरे करके उनको इतना खत्म कर दिया कि वो खत्म हो गए कि यार खाने कमाने लायक है ही नहीं वो सब जाके उसी सिस्टम में एड हो गए अब भी ऐसा ही होगा अभी तो धीरे धीरे पहले कमियां दिखाई जा रही है ना बी एस एन एल में ये कमी सरकारी स्कूलों में ये कमी सरकारी बैंकों में ये कमी इन कमियों को सुधार सकती थी सरकार अगर सरकार चाहती लेकिन ये दिखाना था कि ये बिल्कुल बेकार है इनसे कोई फायदा नहीं ये सब दिखा के इनको बंद कर दो और फाइनली आपके देश में सिर्फ प्राइवेट बैंक होंगे सिर्फ प्राइवेट एजुकेशन होगी सिर्फ प्राइवेट मेडिकल फैसिलिटी होगी तब आम आदमी कहाँ जाएगा इलाज तो करवाने पड़ेंगे ना किसी के पिताजी को कोई दिक्कत हो गई किसी की माँ को भाई होगी शरीर है तो आप ये मान के चलो इसमें बीमारी लगेंगी साठ के बाद हर आदमी को डॉक्टर की जरूरत है कभी ना कभी और सत्तर के बाद अगर सरकारी में है तो ये बहुत छोटा काम है एक दो हजार रुपए का लेकिन प्राइवेट में तो इसी ऑपरेशन के लाख मांगेंगे और आपको देने पड़ेंगे क्योंकि ऑप्शन नहीं है तब तक ये सरकारी पूरी तरह बंद हो चुके होंगे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा सिवाय लुटने के यही तो शोषण बी ने किया सब कुछ हमारा खत्म करवा दिया कि बस मैं हूं अब नमक देखो ना तुम क्या बोले कि नमक भी नहीं बनाओगे नमक हम बनाएंगे हम बेचेंगे मतलब इतनी बेसिक नीड जो सब्जी में चाहिए सूखी रोटी भी खा सकता है आदमी अगर नमक डाला हो आटे में तो उस नमक पे भी इनका एकाधिकार हो गया ऐसे ही तो धीरे धीरे करके इन्होंने राज किया अब भी ऐसा ही चल रहा है बस ये समझ नहीं रहे कुछ मुठ्ठी भर मूर्ख लोग और वो कह रहे हैं कि नहीं निजीकरण अच्छा है निजीकरण आज अच्छा दिख सकता है कुछ लोगों को लेकिन आज से तीस चालीस साल बाद जब सिर्फ निजीकरण रह जाएगा फिर किन स्कूलों में पढ़ेंगे रेहड़ी लगाने वालों के बच्चे मजदूरों के बच्चे किसानों के बच्चे उनका विकास होगा कहा जाएगा गरीब आदमी होगी तो तो कम कम हो कुछ इस तरह की व्यवस्था होती और ये क्यों होना चाहिए कई लोग कहते हैं क्यों सरकार ऐसा करे क्योंकि इंडिया कल्याणकारी राज्य है ऐसा आपके संविधान में लिखा है भाग चार नीति निर्देशक तत्व पढ़ के आयो तुम क्या उसमें कल्याणकारी

सिर्फ गरीबों पर अमीर आदमी तो मार थे अब भी मारेंगे निजीकरण का सबसे ज्यादा प्रभाव आएगा रेहड़ी लगाने वाले पे जो पिताजी कहीं मजदूरी करते हैं किसान के ऊपर छोटे दुकानदारों के ऊपर जिनका बड़ा काम है महीने के दस दस लाख जिनके आ रहे हैं वो क्यों विरोध करेंगे तब भी विरोध नहीं किया था अमीरों ने देखो आगे राजनीतिक कारणों के साथ प्रशासनिक कारण भी क्रांति के लिए सारे कारण दुखदायी थे ईसाई धर्म के प्रचार ने भी भारतीयों के असंतोष को उभारा क्योंकि 1813 में अंग्रेजों ने चार्टर में कह दिया कि इंडिया में ईसाई धर्म का खुले तौर पे प्रचार प्रसार करो जीसस क्राइस्ट के लिए किताबें बनाई गई बेची गई संस्थाएं आई हिंदू धर्म को पीछे छोड़ दो इस्लाम धर्म को पीछे छोड़ दो तुम इसमें आ जाओ इसमें आने से तुम्हें ये ये लाभ होंगे तो लाभ दिखा दिए अब जनता बेचारी भूखी मरती क्या ना करती बहुत सारे लोग तब्दील होने लग तो धार्मिक नुकसान भी हुआ हमारा अंग्रेजों द्वारा भारत का आर्थिक शोषण पैसा तो उन्होंने लूटा ही लूटा है सबको पता ही लूटा है लेकिन अब कोई कुछ कर नहीं सकता आर्थिक शोषण भी एक प्रमुख कारण था भारतीय सैनिक भू राजस्व नीति के कारण दुखी थे तो भारतीय सैनिकों को भी बहुत दुखी करते थे बहुत ज्यादा दुखी सैनिक कारणों में ऐसे अनेक बिंदु विद्यमान थे जो विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे थे पदोन्नति से वंचित रखना दस साल हो गए नौकरी को पदोन्नति नहीं हुई अब पदोन्नति नहीं हुई तो तनखा नहीं बढ़ेगी सरकारी में भैया अब तो प्राइवेट है ना इनकी मर्जी सरकारी में तो नियम है मैं ना कि आपकी पदोन्नति होती जाएगी यहाँ कह दिया नहीं करते पदोन्नति करनी है नौकरी कर वरना छोड़ के चलता बन अब आदमी मर गया भैया परिवार है पेट पालना है कोई सरकारी स्कूल तो है नहीं जहां पढ़ा लूंगा कोई सरकारी अस्पताल तो है नहीं जहाँ इलाज करा लूंगा तो मुझे तो नौकरी करनी पड़ेगी चाहे मुझे दस हजार दें चाहे मुझे आठ हजार दें आप देखना अगले पांच सात सालों में दस सालों में इंडिया में लेबर बहुत सस्ता हो जाएगा खूब पढ़े लिखे लोग दस दस हजार की नौकरियां करेंगे क्यों क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा आज जो आप ये सपना देख रहे कि कम से तीस हजार की नौकरी मिल जाए यार ताकि मेरा घर परिवार चल पड़े अब ये सब खत्म होकर आठ आठ दस दस हजार में एमबीएमटेक बीटेक इस तरह के बच्चे रखेंगे नहीं करनी चले जाओ हजार पड़े हैं इतनी ज्यादा जनसंख्या है कि लोग भागे भागे आएंगे तो बहुत बुरा टाइम आने वाला है अगर ये चीजें ऐसी ही चलती रही रोकी नहीं गए तो और इसको भुगतना पड़ेगा जवान लोगों को क्योंकि पुराने लोग तो सेटल हैं सब जो आज 35 से ऊपर है उसको थोड़ी सेटल होना है सेटल होना है तुम लोगों को जो 16 से 25 30 के बीच में है तुम्हारे लिए दिक्कत है ये आगे क्या कह रहे हैं देखो पदोन्नति से वंचित रखना भारत की सीमाओं से बाहर युद्ध के लिए भेजा जाना तब हम क्या मानते थे इंडिया से बाहर पानी में गए धर्म भ्रष्ट जानबूझ के भेजते थे इनको और देश से बाहर जाने पर अतिरिक्त भत्ता नहीं देना जैसे अगर अतिरिक्त भत्ता दें तो कोई लालच में ही चला जाए भाई तुम ये नदी न, ये पानी पार कर गए हजार रुपये मिलेंगे तो वो ये सोच ले चल यार मेरे माँ बाप बूढ़े हैं इनका इलाज करा दूंगा अपने बच्चों को पढ़ा दूंगा पेट भर दूंगा हजार रुपये कोई बात नहीं धर्म भ्रष्ट हो गया लेकिन मैंने अपने कर्म से पीछा नहीं हटा मैं अब वो क्या सोचे कि वहां जाना है धर्म भ्रष्ट हुआ, लोग थू करेंगे लेकिन पैसा मिलेगा नहीं तो किस चीज के लिए जाए ये सब एक्सप्लॉयटेशन है पहले देते थे ये सारी चीजें अट्रैक्ट करने के लिए अब फिर कहा नहीं देंगे तो तुम क्या कर लोगे क्योंकि प्राइवेट है तुम कुछ कर ही नहीं सकते फिर तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा मुगल बादशाह चूंकि भारतीय जनता जनता का प्रतिनिधित्व करता था इसलिए उसके अपमान अपमान में जनता ने अपना महसूस किया और विद्रोह के लिए मजबूर हुए कैसा अपमान किया इन्होंने क्या बोले ये बहादुर शाह को बोले ये जरा ये लाल किला है ना रेड फोर्ट इसको निकल जाए यहाँ से खाली कर ये हमारी प्रॉपर्टी है लाल किला किसने बनवाया था शाहजहां ने यानी बहादुर शाह जफर के परदादा के परदादा के पुरानी पुश्तों में एक बहुत प्रतापी आदमी हुआ जिसने बनवाया लाल किला तो उसी की तो प्रॉपर्टी है ना आज तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है आज से पचास सौ साल बाद निजीकरण के चलते कहें कि निकलो यहाँ से ये घर तुम्हारे पुरखों का बेशक होगा लेकिन अब ये हमारा है अब ये अंबानी अड़ानी के उस टाइम उनकी भी पुश्तें आ जाएंगी तो फिर क्या करें आदमी फंस गया ना वो मना नहीं कर सकता क्योंकि उनका राज है कहीं कोई ठिकाना नहीं है तो जनता को लगा यार ये ऐसे कैसे निकाल देंगे हमारे इतने बड़े मुगल बादशाह को मुगल बादशाहों ने हजार साल राज किया है हजार नहीं तीन सौ चार सौ लेकिन दिल्ली सल्तनत उठाएं तो हजार साल हो जाते हैं तो मुगल बादशाह पंद्रह छब्बीस से और आज उसी को कह रहे हैं कि कर खाली करिए क्यों खाली करूं किसके लिए तो हम यहाँ पे अपना मुख्यालय बने तुम कौन भाई विदेशी तुमने इस देश के लिए मिट्टी में कुछ किया नहीं तुमने कच्चे माल को यहां से ढो दिया पैसा तुमने सारा खा लिया और फिर तुम्हें ये हमारी पुरानी जो बिल्डिंग्स हैं ये भी तुम्हें चाहिए तो कितने चालक लेकिन मानना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन नहीं ना निजीकरण हो चुका हर चीज का आगे चरबी युक्त ये चबी लिखा है, रह है। चरबी युक्त कारतूस का प्रयोग आप अच्छी तरह जानते हैं रॉयल एनफील्ड एक राइफल आई थी 1856 के एंड में दिसंबर में जनवरी में उसके खिलाफ ये बात फैल गई कि इसमें सुअर और गाय की चर्बी लगी है जिसको कि मुंह से काटना पड़ता था राइफल में वो गोली डालने से पहले तो ये बात फैल गई तो लोगों ने विरोध करना मन ही मन स्टार्ट किया फिर आ, मंगल पांडे पहला विद्रोही खड़ा हुआ लेकिन उसको जानबूझ के सबके सामने फांसी दी गई उसने 29 मार्च को ये काम किया था दो अंग्रेज अफसर मार दिए बोला नहीं इस्तेमाल करूंगा और भाग गया उनका अपने मूवी देखी भी होगी उसने खुद को मारने की कोशिश की तो उसको बचा लिया अंग्रेजों ने जानबूझ के बचाया ताकि इसको एक एग्जाम्पल के रूप में फांसी दें सबके सामने ताकि लोग कांपें डरें कि अगर हमने ऐसा किया तो मंगल पांडे की तरह हमें भी सबके सामने फांसी दी जाएगी तो चरबी लगे कारतूस ये इंपॉर्टेंट है के प्रयोग की बात से सैनिकों में आक्रोश पैदा हुआ सत्तावन की क्रांति का तात्कालिक कारण था पूछते हैं तात्कालिक तो चरबी युक्त कारतूस गाय और सुअर की चरबी अगला प्लासी के युद्ध के बाद अठारह की क्रांति से ठीक सौ साल पहले प्लासी का युद्ध हुआ था सत्रह सो सत्तावन याद होगा ना सिराजू दौला पचास हजार की सेना और इनकी मुठ्ठी भर तीन हजार की सेना ये खुद तो लिखते हैं हमारे तीन सौ आदमी थे फिर कैसे हारे वो पचास हजार तीन हजार के सामने क्योंकि गद्दार था मीर जाफर महाघटी आदमी और जगत सेठ जिन दोनों गधों ने अपने फायदे के लिए इस देश को बेचने की पहली शुरुआत की थी अगर सत्तावन की क्रांति में इनके पैर ना जम पाते तो इनकी कहाँ से हिम्मत थी कि दोबारा ये बक्सर सोचते और फिर ये बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी खा जाते फिर ये अवध के राजा से उसका किला छीन लेते पचास लाख रुपए छीन लेते और फिर दो तीन साल बाद मैसूर पे अटैक करते तो ये जो सबसे पहली गद्दारी की जो बहुत घटिया काम किया देश के इसमें विपक्ष में ये किया था मीर जाफर ने तो क्या कह रहे हैं देखो प्लासी के युद्ध के बाद निरंतर भारत का शोषण होता रहा जो शायद जन असंतोष का सबसे महत्वपूर्ण कारण था हम सब पता है कब दुखी होते हैं ज्यादा जब शोषण हद से ज्यादा बढ़ जाता है थोड़ा बहुत शोषण तो करती रहती है सरकारें कोई बड़ी बात नहीं लेकिन जब बात सिर पे से चली जाती है ये धीरे धीरे, धीरे दिख रहा है कि पूरी चीजों को सरकार खत्म करती जा रही है मजाक है क्या हर चीज जो कभी हमारे बाप दादाओं ने टैक्स दे वो अनुइंगली टैक्स देते थे हर आदमी चाहे आपके दादाजी खेती करते थे खेती के उपकरण खरीदते होंगे उन उनपे टैक्स लगता था खेती के लिए जितना भी सामान ना मार्केट से उन मतलब तुम और मैं, हमारे लिए बनी थी ये, हमारे विकास के लिए ताकि इनमें खूब सारी नौकरियां निकले आपको मुझे हम जैसे लोगों को नौकरियां मिले हमारे बाप दादाओं को नौकरियां मिले या उस टाइम में जरूरत पड़ने वाले दलितों को नौकरियां मिले मैंने कल आपको आप ही क्लास में शायद एग्जांपल दिया था अपने स्कूल से शायद आपकी में नहीं दिया एक टीचर क्या कभी फिर बताऊंगी अब आज टाइम ज्यादा हो जाएगा तो आ, ये पी जो है ना ये देश का विकास करती है समाज का विकास बेच दी धीरे धीरे करके एल बेच दी रेलवे बेच दी ओ एन सबका नंबर लगा रखा है ये आदमी तो चले जाएंगे ये आदमी तो लुढ़क जाएंगे दो चार पाँच दस साल में सारे मरेंगे अभी बुढ़े तो हो ही गए सारे लेकिन इनके बाद जो हमारी अगली पीढ़ियाँ आएंगी उनको क्या मिलेगा विरासत में ना कोई पब्लिक सेक्टर नाम की चीज होगी ना ही कोई ऐसी चीज जिसमें कि वो फ्री हो के कह सके कि यह सबकी है क्योंकि हर चीज़ बिक चुकी होगी हर चीज़ प्राइवेटाइज होगी पानी भी प्राइवेटाइज हो जाएगा ऐसा टाइम आ जाएगा आज भी बिकता है किलने बिस्ले ले, लेकिन आज मर्जी के लोग पीते हैं ऐसा टाइम ना आ जाए कि आदमी को एक एक पानी की बूंद गरीब से गरीब को भी खरीदनी पड़े तब दिक्कत आएगी और ऐसा आ जाएगा आप ये मानो अगर इस हिसाब से चलता रहा ना देश तो ऐसा टाइम आएगा कि हर चीज़ बिकेगी यहाँ क्योंकि हर चीज़ मुनाफा देगी और टाइम पे फिर गरीब आदमी मरेगा एवरेज आदमी मरेगा एवरेज से मेरा मतलब है जो बिल्कुल इस तरह का कमाते हैं कि बस किसी तरह बच्चे पल जाएं और किसी तरह हमारा जीवन कट जाए अमीरों को ना तो पहले फर्क पड़ता था ना आज पड़ेगा ना आगे पड़ेगा इसमें फंसोगे आम लोग और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं सब आम है तो क्या कह रहे हैं कब क्रांति हुई शोषण इतना हुआ कि जनसंतोष बन गया हर आदमी दुखी हो गया हद हो गई तब जाके क्रांति हुई नेक्स्ट विद्रोह का आरंभ कहां से हुआ 29 मार्च अठारह को मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में बंगाल में बैरकपुर विद्रोह किया मार्च का लास्ट था 10 मई सत्तावन को मेरठ के सिपाहियों ने विद्रोह किया ये सब एक्चुअली होना था 31 मई को प्लान था 31 को पूरे देश में एक साथ करेंगे ताकि अंग्रेज बौखला जाए पागल हो जाए कि सारे में यहां भी क्रांति वहां भी क्रांति कहा भागेंगे कहा सेना ले जाएंगे तो इसलिए लेकिन ये गलती कर गए हम हमने इसको ना किश्तों में किया कभी यहां कभी यही गलती अब ना करें बच्चे बिहार में छोटी सा विद्रोह करोगे तो सरकार दबा देगी यूपी में, में तो सोशल साइट्स पर ट्विटर में नंबर वन ट्रेंडिंग पे जा रहा है नंबर थ्री पे भी इसी टाइप का है तो ये बेहद शर्मनाक है और ट्विटर को सिर्फ इंडिया नहीं देखता ट्विटर को अमेरिका का राष्ट्रपति भी देखता है पुतिन भी देखता है और जितने ये फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ना देखते हैं अब जब ये बाहर जाएंगे कहीं पे बैठकों में तो इनकी बेजती नहीं होगी क्या वो क्या कहेंगे क्या सफाई देंगे? तो अच्छी बात है लोगों के जो शोषण हो रहा है असंतुष्टि है जन आक्रोश है ये दुनिया तो जाने कम से कम दिखावट में हम क्यों दवाए रखे इस बात को इंडिया अंदर से खोखला है ये पता चले ना ताकि जो राज करने वाले इनको शर्म आए थोड़ी बहुत चलिए क्या कहते हैं तो ये देखो गलती मार्च में स्टार्ट कर दिया ये फिर मई में जबकि होना था इकतीस मई को इसका सिंबल क्या था कैसे मैसेज देते तब कोई व्हाट्सएप और ये तो थे नहीं कि आके कह दिया कि भाई हम कैंपेन करेंगे तब था आ, रोटी रोटी और कमल का फूल ये मैसेज था एक से दूसरे को बात करनी है ना तो कमल का फूल और रोटी को सिंबल के रूप में कि भाई क्रांति की शुरुआत करनी है इसके सिंबल थे मेरठ से विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली मार्च कर दिया 300 सैनिकों की टुकड़ी चल पड़ी 11 मई सत्तावन को बहादुर शाह जफर जो बहुत एज थे और अंग्रेज इनको पेंशन देते थे भाई तुम कौन हो पेंशन देने वाले तुम विदेशी यहाँ आके तुम हमें पेंशन हमारे राजा को पेंशन दे रहे हैं तो बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित कर दिया एक बार तो ये डरे इन्होंने कहा भाई मेरे तो बस की नहीं है देखो मैं तो बहुत उम्र दराज हूँ और मैं तो खुद पेंशनर हूं तो उन्होंने कहा नहीं आप सिर्फ हाँ कर दीजिए काम सारा बख्त खां संभाल लेगा दिल्ली को बख्त खां ने संभाला था लेकिन केंद्रीय नेतृत्व में एक बड़ा नाम कहें तो बहादुर शाह जफर काफी एज्ड हो चुके थे दिल्ली के सैनिकों का नेतृत्व तो बख्त बख्त खान खान ने किया पूछ लेंगे खान। धीरे धीरे का विद्रोह देश के अन्य क्षेत्रों में भी फैला ये तो गलत हो गया विद्रोह होना चाहिए एक साथ ताकि वो क्रांति का रूप ले ले अलग अलग में तो ये सब कुछ खत्म कर देंगे नेक्स्ट लखनऊ में चार जून अब देखो मार्च हो गया अप्रैल हो गया मई हो गया अब जून लखनऊ में चार जून सत्तावन को विद्रोह की शुरुआत हुई बेगम हजरत महल ये मुस्लिम महिला है इनका बेटा था ब्रिजिस कादिर बहुत छोटा था इन्होंने कहा मैं इसकी संरक्षिका हूं और मैं राज करूंगी मैं किसी भी या इसी को नहीं मानती तो बेगम हजरत महल इंपॉर्टेंट है लखनऊ ने अपने अल्पायु पुत्र ब्रिजिस कादिर को नवाब घोषित किया और लखनऊ स्थित ब्रिटिश रेजिडेंसी पर आक्रमण कर दिया जो ब्रिटिशर्स ने अपनी रेजिडेंसी बनाई उस पर आक्रमण लूट लो इसको ये हमारा इलाका है और कौन है ये अंग्रेज मेरा बेटा है ब्रिजिस कादिर अल्पायु है इसलिए मैं इसकी संरक्षिका हूँ लखनऊ पे मेरा राज चलेगा तो ये सोचो लोकल लेवल पे अब लोग अपने अपने हिसाब

कमजोर अंग्रेजों ने कहा तुम हो कौन पेशवा यहाँ से निकलो और मराठा महाराष्ट्र खाली करो और इनको बैठूर के पास भेजिए वहां पेंशन पहुंचा लेंगे चुपचाप वहां बैठे रहना जो ओरिजिनल इंडियन है इनको निकालने की हिम्मत दिखा रही है विदेशी कंपनी जो भारतीय है उनको कुछ नहीं समझ रही तो वो भी आ गए कि ठीक है भाई हम लड़ेंगे क्योंकि ऐसे कैसे कर सकते हैं हमारी प्रॉपर्टी पर हमारे राज को हटा के तो पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र था दत्तक गोद लिया हुआ इन्होंने क्या कहा कि हम दत्तक वत्तक को नहीं मानते तो दत्तक पुत्र ने कहा कैसे नहीं मानते भाई मेरे पिताजी हैं वो मैं उनका हकदार हूं तो नाना साहब जिनका नाम था धोधु पंथ पेपर में आ जाएंगे पिछली बार एन ने चार नाम दिए और बोले सत्तावन की क्रांति में कौन शामिल नहीं था तो ये नाम याद रखना नाना साहेब का नाम है धोधु पंत इन्होंने विद्रोह को नेतृत्व दिया और इनकी सहायता एक सेनापति तांत्या टोपे ने की ये तांत्या टोपे पकड़े गए और उनको कुछ सरेआम फांसी दी गई थी ये फांसी पे झूल गए थे और बहुत खुश होते हुए इनको ये था कि देखो मैंने सत्तावन इस देश की क्रांति के लिए मैंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया तांत्या टोपे किसके सेनापति हैं ये आ, नाना साहब के नाना साहब कौन पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र हैं गोद लिए हुए बेटे जिनका अस्थि नाम था धोंधुपंत कानपुर में नाना साहब हैं बिरजिस कादिर छोटा सा बच्चा जिसकी माँ कौन है बेगम हजरत महल लखनऊ में है बैरकपुर में मंगल पांडे है बख्त खां दिल्ली में काम संभाल रहा है लेकिन वैसे हेड किसको बना दिया बहादुर शाह को ठीक है सत्तावन से पूर्व सैन्य विद्रोह जैसे इनके ना अभी कारण और ये सब है टाइम थोड़ा कम है वो मुझे इशारा कर रहे हैं कि क्लास का टाइम हो गया ये क्रांति ऐसे स्टार्ट हुई है ठीक है इससे पहले भी विद्रोह हुए थे और इसके बाद क्या रहा इसका असर उसको हम कल पढ़ेंगे एक्चुअली क्रांति ना तीन चार दिन का टाइम मांगती है दो दिन तो मैंने बेस बनाया था अब आज आपको आधा समझ में आ गया होगा अब इसके बाद क्या हुआ इसमें कौन कौन लीडर्स थे इसके परिणाम क्या निकले इंडिया पे क्या असर आया उन सबको पढ़ेंगे मंडे की क्लास में ठीक है तो सत्तावन की क्रांति यहाँ तक पढ़ लेना जो मेन मेन सारे लीडर्स के नाम इसमें आ गए हैं उम्मीद करती हूँ सत्तावन की क्रांति समझ में आ गई होगी क्रांति के बहुत सारे नुकसान भी उठाने पड़े थे बाद में और कहीं ना कहीं हम लोगों की कमजोरी थी कि हम सब एक नहीं थे इस क्रांति में अमीर इंडियन शामिल नहीं हुए इस क्रांति में पंजाब शामिल नहीं हुआ हैदराबाद के निजाम नहीं आए मध्य भारत के भी कई लोगों ने बाइकआउट किया सब नहीं आए अगर सब आते तो क्रांति हंड्रेड सफल होती और फिर अंग्रेजों को उखाड़ फेंकते हम यहाँ से लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ चलिए इसके कारण और प्रभाव कारण तो हमने जान लिए प्रभाव इसके परिणाम क्या हुए इंडिया पर ये अगली क्लास में पढ़ेंगे थैंक यू